रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर महनूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको शब कदर की जो खास वजीफा और दुआएं हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शब कदर के हवाले से मैं आपको कुछ दुआएं बताना चाहती हूँ, प्लीज आप उसको नोट करें और उस पर जरूर अमल कीजिएगा। तो मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे बताइए, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शबे कदर है तो मैं इस रात अल्लाह से क्या अर्ज करूँ और क्या दुआ मांगू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अर्ज करो, अल्लाहुमा इन्नका अफुवन करीम तुहिब्बुल अफुवा फहफू अन्नी। ए मेरे अल्लाह, तू बहुत माफ़ फरमाने वाला और बड़ा करम फरमा है और माफ कर देना तुझे पसंद है, बस तू मेरी खताएं माफ़ फरमा दे। तो नाज़रीन, इससे क्या फ़ायदा होता है? इस हदीस मुबारका से हमें दो बातों का इल्म होता है। पहली ये कि नेक और साला लोगों से इस रात का अदराक कर सकते हैं, और दूसरी ये कि इस रात का इन हो जाने के बाद इस रात में क्या अमल किया जाए, यानी अल्लाह ताला से खसूसी तौर पर इस बेशबहा और अजमत वाली रात में क्या तलब किया जाए। तो नाज़रीन, लैलतुल कदर की कुछ निशानियां बाज अहदीस और कुछ सालेहीन के तजर्बात की रोशनी से मालूम हुई है। जैसे कि इस रात में बाकसरत फरिश्तों के नुजूल की वजह से एक खास किस्म की तमानियत और सुकूनियत महसूस होती है, दिलों पर कत तारी हो जाती है। इस रात की सुबह को जब सूरज निकलता है तो 14वीं रात के चांद की तरह बगैर किरणों का होता है। ये रात ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म नहीं बल्कि मुतदिल होती है। ये रात खुली हुई और रोशन होती है। इस रात में आसमान तारे टूट टूट कर इधर नहीं जाते। इस रात की कोई खास इबादत मुकर्रर नहीं की गई है। जिक्र, तिलावत, तस्बीह, तकदीस, तौबा, इस्तगफार, नवाफिल इस रात का महबूब और पसंदीदा अमल है। दुरूद और नवाफिल इस रात का महबूब और पसंदीदा अमल यह है कि बेहतर है कि थोड़े थोड़े सभी अमाल किए जाएं, इस तरह हर किस्म के अमाल का सवाब भी हासिल हो जाए और इस तब्दीली से इबादत करना भी आसान होगा। इस मुकद्दस और मुतबरक रात में बंदों की दुआएं मकबूल होती हैं क्योंकि फरिश्ते इनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं और खुद भी इनके लिए दुआएं करते हैं। सोचने का मकाम है कि बंदा अपने रब से मगफरत तलब करे, फरिश्ते इस पर आमीन कहें और रब्बुल आलमीन इसे बख्श दे, तो अब इसे और क्या चाहिए। ये खसूसियत सिर्फ और सिर्फ शब कदर ही को हासिल है और इसकी अजमत का बेन सबूत ये है कि जो शख्स शब कदर को पा लेता है तो समझो वो दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होता है। तो मुझे यकीन है कि आप रमजान के इस रमजान में शबे कदर को ढूंढने में अपना वक्त करेंगे और शबे कदर को ढूंढेंगे। तो नाजरीन, ये था मेरा आज का टॉपिक लैलतुल कदर की रात से मुतल्लिक। इस रात में आप अल्लाह ताला से बेपना जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला अता करेगा और ये रात बहुत बड़ी बरकतों वाली रात है। नाज़रीन, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस रात का बहुत एहतमाम करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।